हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रतिभा कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली की सब्जी, जिसे आप मूली की भुजिया भी बोल सकते हैं। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस मूली की सब्जी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मूली की सब्जी बनाने के लिए मैंने एक पैन में सरसों का तेल लिया हुआ है। तेल को हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे, एक पिंच हींग डालेंगे, आप चाहें तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं। साथ में हम डालेंगे इसमें 8 से 10 कलियां लहसुन की, बिल्कुल जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। भून लेंगे इसे हम अच्छा सा कलर आने तक। और ये देखिए, इसका कलर अच्छा सा आ गया है, सुनहरा हो गया है। लहसुन हमारी अच्छे से भून गई है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मूली ली थी, जिसे मैंने धो के और इस तरीके के राउंड शेप में कट कर लिया हुआ है। तो ये सभी स्लाइसेज हम इसमें डाल देंगे और मिला देंगे अच्छे से। और इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। नमक डाल देंगे हम स्वादानुसार, मिक्स कर देंगे अच्छे से। और इस सब्जी को हम लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में ही पकाएंगे, क्योंकि हम इसमें पानी नहीं ऐड कर रहे हैं, जिससे कि हमारी सब्जी बहुत अच्छे से पक भी जाएगी और जलेगी भी नहीं। तो अब हम इसे कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 7-8 मिनट तक अच्छे से पका लिया हुआ है और मूली हमारी बहुत अच्छी सी भुन गई है, एकदम से फ्राई जैसे हो गई है। मिला देंगे अच्छे से। अब बाकी का हम इसे मसाले के साथ पकाएंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला हुआ है, जिससे ये सब्जी को बहुत अच्छी खटास देगा। बट अगर आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं लास्ट में, अगर आप आमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते हैं। और सभी मसाले मिक्स करके हम इसे फिर से कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे सारे मसाले मूली में बहुत अच्छे से आ जाएंगे और इनका एरोमा भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मूली की सब्जी को हमने 2-3 मिनट तक और पका लिया हुआ है, ये पक के बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। और अब हमने इसमें धनिया पत्ती डाला हुआ है, धनिया पत्ती डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट मूली की सब्जी बन के तैयार हो गई है। आप इसे रोटी के साथ या पूड़ी के साथ खा सकते हैं, या आप इसे दाल के साथ साइड डिश के रूप में भी बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया हुआ है और ऊपर से धनिया पत्ती से गार्निश किया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मूली की सब्जी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से मिलती हूँ किसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।